किस तरह से खुद तैयार किया था घर में तन्ना पेस्ट। इसके लिए हमें कुछ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, तो हमें दुकानों से लेनी पड़ती है चूना, नीला थोथा, अलसी का तेल और साथ में फेविकॉल हमें इसमें डालना पड़ता है ताकि चूना चिपका रहे। यदि हम फेविकॉल को नहीं डालते तो जब बारिश हो जाती है तो चूना हमारा धुल जाता है। जब फेविकॉल आपने मिलाना होगा तो उसके लिए सील गर्म पानी करें। अब हमने इसको इसमें डालना है, हमने इसका मिक्सचर बनाना है। अब दोस्तों 3 किलो चूना है और 1 किलो नीला थोथा है। पहले हमने नीले थोथे को मिलाना है। दोस्तों क्योंकि बना बनाया पेंट भी अच्छा आता है, क्योंकि उसके रिजल्ट ठीक नहीं रहते हैं, क्योंकि जब भी आप इनको मिलाए तो अलग अलग ढंग से मिलाए। ऐसा नहीं करे कि भाई आपने एक बर्तन में ही चूना और नीला थोथा डाल दिया, क्योंकि पूरी तरह से इस तरह से नहीं घुल पाता है। नीले थोथे को अच्छी तरह से डंडे की सहायता से हिलाए, जब तक नीला थोथा पूरी तरह से घुला नहीं पानी में तब तक हिलाते रहे। पूरी तरह से दोस्तों नीला थोथा हमारा गल चुका है। अब हम चूने को इसमें डालेंगे। अनभुजा चूना है दोस्तों। इस चूने का यूज आप जो घर में जो लगने वाला चूना जो है इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तन्ना पेस्ट बिल्कुल तैयार हो चुका है, एकदम से रेडी हो चुका है। अब हमने इसमें 1 लीटर ऐड करना है अलसी का तेल। ये अलसी का तेल 1 लीटर ऐड करना है। जैसे हमारे पास 3 किलो चूना था, 1 किलो नीला थोथा था और साथ में हम 1 लीटर इसमें अलसी का तेल डाल रहे हैं। दोस्तों इसके लाजवाब रिजल्ट है। जो हम बना बनाया जो पेंट लाते तन्ना पेस्ट लाते उसके रिजल्ट अच्छे नहीं होते, क्योंकि एक काम क्या करता था ना पेस्ट, एक तो तन्ने को धूप से बचाता है और दूसरा जो है जड़ सड़ की तो दिक्कत आती है हमारे, वो नहीं आएगी जड़ों में, क्योंकि जड़ों में जितनी नमी बनी रहेगी उतना ही जड़ सड़ना आएगा दोस्तों। क्योंकि जितना मॉइस्चर बना रहेगा उतना ज़्यादा जड़ सड़ना आएगा। पूरी तरह से हमारा तन्ना पेस्ट बिल्कुल तैयार हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अब हमारा जो तन्ना पेस्ट बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है इसमें तने में। यहाँ देख रहे हैं दोस्तों